नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवक गेटवे यूट्यूब चैनल से। 3D एनिमेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग किचन का जो बाकी एरिया है, यानी कि किचन काउंटर एरिया, फिर गैस स्टोव एरिया, उन सबको बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो पिछले एपिसोड में हमने जो बोल, प्लेट, ग्लास, चम्मच बनाया था ना, इसको इस लेयर में ऐड कर देंगे। राइट क्लिक ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऐड हो गया, ठीक है। और इसमें आर में क्लिक करते रहेंगे, एक बार क्लिक, दोबारा क्लिक, तो ये टीम में आ जाएगा। टीम में आएगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अभी हमें चाहिए एक क्यूब, ठीक है। क्यूब लेंगे और क्यूब को थोड़ा हाइट कर देंगे और इसको डेप्थ को थोड़ा पुंडा कर देंगे, थोड़ा चौड़ा लगे, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा नीचे रखना है, 3.5 होगा ये एक्चुअली, -3.5, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आ गया, थोड़ा डिस्टेंस भी रखेंगे, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे एक कार्ड ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड ऐड कर देंगे, ये मल्टी कट टूल, कंट्रोल दबा कर क्लिक करेंगे तो ये एज एज लूप की तरह काम करेगा, पूरे लूप वाइज एज में काट हो जाएगा, ठीक है। मल्टी कट टूल ये होता है, मैंने इसको ऐड किया है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करो तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ऐड किया है। अभी क्या करना है कि डबल प्रेस करेंगे और इसमें जो फेस है ना, इसका पकड़ के एक्सक्रूट थोड़ा एक्सक्रूट करेंगे, कितना 0.5 इनफ होगा, ये हो गया। अभी इसका जो एरिया है ना, ये थोड़ा राउंड टाइप का होगा, ठीक है। तो हम तो इसमें स्मूथ ऐड करेंगे, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कट देना है और यहाँ पे भी एक कट देना है, ठीक है, हार्ड सरफेस हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक कट और यहाँ पे भी एक कट, तो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया। बस साइड में स्मूथ करना है, वो भी कर देते हैं, चलो बढ़िया। ठीक है, अभी अगर हम थ्री फेस करेंगे तो ये काफ़ी हद तक स्मूथ लग रहा है, ठीक है। अभी एक और चीज़ करना है, वो ये कि ये पीछे का फेसेस है ना, वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके हम जाएंगे फेसेस मोड में, तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके देखो, पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना, ड्रैग करेंगे, तो जितना एरिया को करेंगे उतना एरिया डिसलेक्ट हो जाएगा और ये वाला एरिया सिलेक्टेड रहेगा। फिर डिलीट फेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा फेस। इससे क्या हुआ कि जो फेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस पीछे की ओर ना यहाँ पे वॉल होगा, तो ये फेस नहीं आएगा, तो इससे एक्स्ट्रा फेस नहीं होगा, तो फाइल थोड़ा कम हैवी होता है, थोड़ा लाइट वेट बनता है, ठीक है। इस तरीके से हम मॉडल करते हैं और इसको हम थ्री फेस करेंगे तो ये बराबर एक शेप में आ जाएगा, देख रहे हो, एकदम बराबर शेप में आ गया। तो चलो ये तो हो गया। अभी इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा ड्रॉयर टाइप होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा ड्रॉयर टाइप होता है जिसमें चीज़ें रखा जाता है, तो वो भी बना लेते हैं, चलो बढ़िया। तो इसके पास लेके आते हैं, इसका 40 कर देते हैं, 40 और इसका 15, तो थोड़ा ही ना पहले को थोड़ा सही कर देते हैं, दूसरी चीज़ को क्वेश्चन करने में इजी होगा, और आगे की ओर लाते हैं, पीछे नहीं होगा, ठीक है। अभी इसका जो हाइट है, हाइट एंड हाइट तो हम बाद में चेक करेंगे, विथ पहले कर लेते हैं, थोड़ा बहुत
4 रखते हैं आई गेस, या फिर और भी कम रख सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। या 0.5 ही रख देते हैं आई गेस, 0.5 इसके लेवल पे आ जाएगा, तो वो नहीं करना है, तो इसलिए इसको 2.5 रखते हैं, एकदम हल्का सा। ठीक है, हल्का सा, बस हल्का, एकदम हल्का, चलो ही बढ़िया है। अभी इसमें हमें स्मूथ देना है, फिर से लिया कंट्रोल दबा के, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कर देते हैं, और ऐसे भी ताकि स्मूथ आ जाए। पीछे की ओर नाम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सेम चीज़ हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, फेस मोड में जाएंगे हम लोग, एक्चुअली फेस मोड में इसे करेंगे सिलेक्ट, तो पीछे का ये सिलेक्ट हो गया, करेंगे डिलीट, और 3 फेस करेंगे तो ये स्मूथ में रहेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ से थोड़ा डिलीट हो चुका है, उस एरिया डिलीट हो चुका है, तो कंट्रोल जेड करेंगे, वो देखना पड़ता है कि जो डिलीट किया वो ठीक से डिलीट हुआ कि नहीं। तो आई थिंक अभी हुआ है, चलो डिलीट कर देते हैं अभी, चलो अभी अभी ये सही से डिलीट हुआ, डिलीट नहीं हुआ था वो, ऊपर की ओर लेके चलती है, और एक कॉर्नर टू कॉर्नर रखेंगे, कंट्रोल डी कर लेती है कॉपी के लिए, और नीचे से थोड़ा गैप रखेंगे, एकदम नीचे टच नहीं होता है, ये तो डोर्स है तो इतना टच नहीं होता है, इसको हाइट थोड़ा कम कर देते हैं, तो कुछ ऐसा, कंट्रोल डी कर लेते हैं फिर से, तो कुछ ऐसा रहेगा। और एक और चीज़ करना है एक्चुअली, ये थोड़ा सा ना, ये जो है ये थोड़ा सा कम होगा एक्चुअली, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हल्का सा यहाँ पे गैप रहना चाहिए क्योंकि ड्रायर सिस्टम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, गैप नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ड्रायर सिस्टम है, ड्रायर कवर जो होता है वो ऐसा रहेगा। इसमें हैंडल भी ऐड करना है, चलो हैंडल भी ऐड करते हैं, हैंडल ऐड करने के लिए हम लेंगे एक यहाँ से एक टोरस, ठीक है, टोरस लेंगे, टॉप भी हो जाएंगे, ये रहा टोरस, अभी टोरस को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको करेंगे 2.5, ठीक है, एक्चुअली और भी कम करना है, 1 करना है तो शायद सही रहेगा, ठीक है, और रेडियस को 0.5 तो थोड़ा कम रहेगा, और इसको 8 करते हैं, इसको कर देंगे डिलीट, नहीं चाहिए,
और इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड करके थोड़ा ऐसा। अभी हमें एक और चीज़ करना है कि डीसीलेक्ट करना है बाकी चीज़ों को, तो यहाँ पे जो हमने एक्सट्रूड किया था ना पकड़ के थोड़ा लंबा करने के लिए वो आ गया, उसका डिलीट कर देंगे। उसका अगर एक पीस करेंगे ना तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। सेंटर की वर्क कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं और इसको कर देंगे 15 पे। ये सभी 15 पे है, 15 पे ही है ना, 15 सॉरी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक चलने में आ चुका है यार। ये रहता है एक्चुअली पर क्योर और सेम चीज अंदर भी घुसेगा ये कंट्रोल टी। इसको थोड़ा यहाँ पे डाल देते हैं, कंट्रोल डी फिर से नीचे की ओर आ रहे थे। तो हमारे किशन का जो स्टोरेज एरिया होता है वो हो गया। तो इन सब का भी पेरेंट करना है, पेरेंट करने के लिए उनको पकड़ लेते हैं, पी प्रेस करेंगे तो पेरेंट में आ जाएगा और शिफ्ट पी प्रेस करेंगे दोबारा अनपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, कीप फोर के अंदर जाएगा, कीप फोर को पकड़ के अगर पी प्रेस करते आ गया। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं इसको अगर सिर्फ पी प्रेस करेंगे तो अनपेरेंट हो जाएगा। चलो पेरेंट करते हैं, मैंने बढ़िया लग रहा दिखने में और जैसे। ठीक है, और इसको मैं सेंटर पिवट कर देता हूँ और हिस्ट्री एडिट कर देता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया एक तरीके का। अभी हम बनाएंगे यहाँ पे गैस स्टोव और गैस स्टोव पे साइड में भी इसका कॉपी करके डाल देंगे। तो इसको ऐड टू सिलेक्ट कर देते हैं। अब दोबारा क्या करना है, एक और काम करना है जो कि मैं गलत हो गया। तो ये था कंट्रोल डी ले जाओ और रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर ये रिमूव हो गया लेयर से, यानी ये क्यों किया कि मुझे ये फिर से चाहिए, क्यों चाहिए मैं दिखाता हूँ। मैं कर दूँगा इसको डिलीट और इसको डिलीट। ठीक है, और मैं इसको बनाऊँगा एज ए गैस स्टोव। तो वो बनाने के लिए आप लाएंगे इसको, अब भी हम जाएंगे और देखेंगे स्टेज मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो काफ़ी हद तक ये अटैच हो रहा है। अभी जो गैस स्टोव होता है उसका हाई हीट जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ऐसा रखेंगे चलो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका हाइट वगैरह स्टिक करना है। तो नॉर्मली ऊपर का ये डायल एरिया होता है। ठीक है, नीचे का बॉटम एरिया होता है, मेन जो ये एरिया है इसमें जो बेक होता है वो इसमें आएगा। ठीक है, जो इंडिया में उतना मिलता नहीं है बट फॉरेन के फॉरन में ऐसा ही जो है ओवन में होता है जिसमें लोग बेकिंग जो है बेकिंग रोस्टिंग गिलिंग वो इसमें किया जाता है। तो वो ये वाला कॉम्पार्टमेंट बनेगा, इसके अंदर खाना पकेगा और इसके ऊपर जो चूल्हा होता है जो गैस का जो नॉर्मल चूल्हा हम बोलते हैं वो इसके ऊपर आएगा। तो इसमें एक और चीज़ करना है मुझे, वो है कि ये थोड़ा वाइट होता है
ठीक है, ये थोड़ा वाइट होता है इसमें, तो इसके ऊपर अभी स्टोव बनेगा, चार चार स्टोव होता है, और अगर चारों को कंट्रोल करने के लिए चार चार डायल होता है, फिर इसे कंट्रोल करने के लिए दो दो डायल होता है, एक हीट एक टाइमर, तो वो सब भी हमें डालना है। तो पहले चूल्हा बना लेते हैं, चूल्हा कैसे बनाएंगे, चूल्हा बनेंगे तो बस बस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, सबसे पहले इसको 88 कर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर इसमें एक्सिस को 20 कर देते हैं, रेडियस को 0.5, इसको भी, इसको भी हमें ठीक करना है क्योंकि ये थोड़ा जी लग रहा है, ये शायद 6 होगा, हाँ ये चला हो गया, गैस बढ़ना कुछ ऐसा ही दिखता है। बस इसको हम थोड़ा 30 कर देते हैं, ठीक, और साइड भी में जाएंगे, साइड भी में जाके फेस पकड़ेंगे, नीचे का पूरा एरिया का हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसमें नहीं होता जैसा आता है, और इसको कर देंगे थोड़ा नीचे की ओर, गैस बर्नर कुछ ऐसा ही लगता है दिखने में, देखो मैं, और इसके और जो इसके सपोर्ट एरिया जिसमें जो कुकर रखा जाता है उसको बना लेते हैं, तो वो बनाना भी बहुत इजी है इसके लिए। हम लेंगे पाइप, ठीक है पाइप लिया हमने, कुछ और भी आ गया ना, इसको ऐसे राइट क्लिक करके पाइप लेना है, या अगर पाइप किसी दोनों चीज को अगर एक जगह पे मूव करना है तो इसको पकड़ो, फिर जिस ऑब्जेक्ट के पास मूव करना है उसके पकड़ो, फिर जाओ मॉडिफाई में, ठीक है मॉडिफाई में मैश ट्रांसफॉर्म, मैश ट्रांसफॉर्म, तो ये मैश ट्रांसफॉर्म कर लेगा, तो ट्रांसफॉर्म का जितना भी वैल्यू है वो कॉपी कर लेगा इसके अंदर, दोनों का वैल्यू देखोगे एक्स वाई जेड का जो इतना भी वैल्यू वो सेम ही है, ठीक है ये हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो रेडियस को हम थोड़ा सा 1.5 कर देंगे आई गेस, एंड थिकनेस को 1 रखते हैं, ठीक है देख लेते हैं एक बार, चलो सही है, 8.5 जो सही है, थोड़ा इसके रेडियस को और बढ़ा देते हैं, रेडियस को ठीक कर देते हैं, अब थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, चलो ये बढ़ गया। इसमें अब इसमें मुझे एक और कम करना है, इसको 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 करना है, तो एकदम देखो यहाँ पे दो 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 करके छोड़ा, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो छोड़ा, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो छोड़ा, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो छोड़ा, 20 है, तो 4 पार्ट सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है इसको थोड़ा करेंगे नीचे, देख लो कोई दूसरा चीज़ सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं गड़बड़ हो जाता है, सिलेक्ट नहीं हुआ, चलो थोड़ा एक्सट्रूड करके थोड़ा सा पॉइंट और ज़्यादा हो गया, 0.2, चलो ये सही है, अंदर के हिस्से को पकड़ो, अंदर के हिस्से फिर एक्सट्रूड करो, एक्सट्रूड करके अंदर की ओर एक्सट्रूड करते जाओ ऐसा, और यहाँ पे ऑफसेट जीरो नहीं,
के लिए वेट करते हैं। डबल प्रेस करते हैं, साइडवेज में चलती है और इसको थोड़ा सा हम सड़क करते हैं। तो ये एक चूना टाइप बन गया, देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा दिखने में, जो कि ठीक ठाक ही है। ठीक है, इसमें और भी एडिटर का वो ये कि इसमें फेस पकड़ना है पूरा फेस, इसका फेस पकड़ना है पूरा फेस और ऊपर से सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के पूरा सिलेक्ट करना है, नीचे का रखना है। इससे क्या होगा कि नीचे का जो फेस है ना वो सिलेक्ट होकर डिलीट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा फेस हमें नहीं चाहिए वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया है, जो नहीं चाहिए वो हम नहीं रखेंगे। फिर इसको थोड़ा सा हमें पकड़ना है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर होता है, अब चाहिए तो इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे और पी प्रेस करेंगे तो ये पैरेंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी करना है, सामने की ओर भी जाना है, कंट्रोल डी करना है और इसको सामने की ओर जाना है। थोड़ा इसको सोचते थोड़ा और नजदीक लाए, ठीक है। तो काफी हद तक हमारा जो ओवन है वो भी बन चुका है, देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इन चारों को कंट्रोल करने के लिए डायलाइट करना है और इसको कंट्रोल करके दो और डायलाइट करना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस सिंपल सा सिलेंडर लेंगे, ठीक है, सिलेंडर लेना है। सिलेंडर में जो हाइट है उसको एक कर देना है, और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, फेस मोड में जाके पूरा सिलेक्ट करो, ऊपर से थोड़ा डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल दबा के पैक कर लो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको दबा के राइट क्लिक करके यहाँ पे बेवेल पे आओ, थोड़ा हम इसको बेवेल दे देंगे, सेगमेंट हम कर देते हैं 3 पिक्सल, इसको एक कर देते हैं। ये बहुत छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं। और यहाँ पे एक और काम करना है, टॉप व्यू में रखें, टॉप व्यू में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके एक एक छोटे हम करेंगे, एक एक छोटे बस ऐड कर देंगे तो ये ट्राइंगल नहीं रहेगा कहीं पर भी। ठीक, ये ट्राइंगल बिल्कुल भी रखना नहीं होता है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, -90 डिग्री, और इसको स्केल करके छोटा करते हैं। वर्टेक्स से थोड़ा कम कर देता बहुत ज़्यादा है, ऐड नहीं मतलब इसके साथ अटैच नहीं किया, थोड़ा डिस्टेंस रखना है क्योंकि बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जैसे कंट्रोल डी ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा वो कि अगर एक ही डिस्टेंस करना है ना कंट्रोल, तो कंट्रोल डी करके थोड़ा मूव करो, फिर शिफ्ट डी करो तो एक ही लेवल पे वो मूव होता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल डी करके मैं फिर से लेके जाता हूँ और इसका जो हाई उसके डायल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। ठीक है, तो दो बड़े बड़े और चार छोटे छोटे, चार छोटे छोटे ऊपर के लिए और दो बड़े बड़े इसके लिए, तो हो गया हमारा गैस ओवन भी। अब एक और काम करना है, उसको मैंने चेक कर लिया था कि मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँ, कंट्रोल डी करना है और इसको ट्रैक करते हुए जाना है और टॉप भी में जाकर इसको देखना है कि दोनों एक साथ टच तो रहा सा चल रही है। तो किचन का जो पूरा एरिया है वो रेडी हो चुका है, देख सकती हूँ।
ठीक है, तो इस एरिया में स्टोरेज का है, कुकिंग का है, वो सब है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक्स्ट्रा ऐड करके बेसिन का भी ऐड कर सकते हो, वो अभी मैं नहीं कर रहा, और चाहो तो एक्स्ट्रा एक और सेक्शन ऐड कर सकते हो जिसमें बेसिन हो, वो भी बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारा ये जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे जो वॉल वगैरह है वो बनाएंगे, और जो उसमें छोटा छोटा चीज़ें होता है डेकोरेशन का, वो सब ऐड कर देंगे, तो हमारा मॉडलिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ईवी करना है। ईवी एक तरीका है जिससे हम मटेरियल ऐड करते हैं, इसके बाद टेक्सचर ऐड करते हैं, वो सब करना है। ईवी सीखेंगे, उसके बाद हम मटेरियल करेंगे, लाइटिंग, रेंडरिंग, ये सब भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को बराबर लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।